हे गाइस, दिस इज मी अब्दुल समाद एंड यू वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक ऑलवेज समाद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग स्पीडोमीटर मोड को अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर या जीटीएससी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोग को मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। और अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मेरे ऐप का अपडेट भी आया तो आपको अपडेटेड लिंक ही मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अपडेट वाला लिंक डाउनलोड कर लें। इसके अंदर आपको दो बटन और मिल जाएंगे, फॉलो ऑन ट्विटर, एंड्रॉयड ऐप और प्ले स्टोर का। तो अगर दोस्तों आप लोग को नहीं पता कि मैं हमारा एक एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर भी है, तो आप वहाँ से हमारे एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं जो जिस टॉपिक पर वीडियो आनी होती है उसका पहले से ट्विटर पर बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिक हियर टू एंटर पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल स्पीडोमीटर मोड इन जीटीएसए एंड्रॉइड, ये वाले पर आपने क्लिक कर लें। फिर यहाँ पर आपको मैं पहले डाउनलोड करने से पहले स्क्रीनशॉट दिखा दूँ। ये देख लें, कुछ इस तरह का आपको आएगा स्पीडोमीटर। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। मैं अभी मीडिया फायर से ही कर रहा हूँ। क्लिक है टू डाउनलोड पर क्लिक करें। तो आपका थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर ले। तो डाउनलोड स्टार्टेड लिखा हुआ जाएगा और डाउनलोड फिनिश्ड यानी हो गई डाउनलोड। अब फ्रेंड्स, मैंने अपना जेड आर्चीवर ओपन कर लिया। तो यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है अपने डाउनलोड फोल्डर में और यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा speedometer.7z। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक व्यू करने का ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू पर क्लिक करें या एक्सट्रैक्ट शेयर भी कर सकते हैं। मैं व्यू करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक speedometer.csv मिल जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करें, लेके जाएं डिवाइस मेमोरी, एंड्रॉयड डेटा कॉम डॉट रॉकस्टार डॉट जी टी ए एस ए, सॉरी ये वाला नहीं है, कॉम डॉट रॉकस्टार जी टी एस ए, ये रहा। और यहाँ पे बस पेस्ट कर दें। मेरे को ओवरराइट का बोल रहा है क्योंकि मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ था, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया है। चलिए अब अपना गेम ओपन करके देख लेते हैं। से स्टार्ट गेम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं एक मिनट। सो चलिए फ्रेंड्स, इसको साइकिल पे या कहीं पे बिठा लेते हैं। चलिए अभी साइकिल ही है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपका जो स्पीड है वो ये बता रहा है सही से बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।